राधे राधे, शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद् गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद् गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक राजा था, उसका नाम था विक्रम वेताल। उसके मन में आया शिकार जाने के लिए, तो वो एक दिन शिकार के लिए गया। उसने अपने बेटे को साथ में लिया और साथ में दो शिकारी कुत्ते लेके गया। जब वो जंगल के बीचों बीच शिकार करने पहुंचा तो उसने एक बहुत सुंदर सा खरगोश देखा और उसका शिकार करने के लिए उसने एक कुत्ता उसके पीछे छोड़ दिया। और वो खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागा, और ऐसा भागा कि मानो वो जैसे उड़ रहा था। और भागते भागते वो एक आश्रम के नजदीक आ पहुंचा। उस आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था, मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे हिरन है आराम से बैठा हुआ है, बंदर पेड़ों के फल खाए जा रहा है खुशी से, और शेर के बच्चे हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मोर नाच रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण था। और वो आश्रम ऋषि वत्स का था, जो भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त था, और वो नियम से श्रीमद् भगवत गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ किया करते थे। और आश्रम के बस थोड़े ही बाहर जो ऋषि वत्स का शिष्य था, वो अपने चरण धो रहा था, और चरण धोते धोते श्रीमद् भगवत गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ भी बोल रहा था। और जिस धरती पे वो अपना चरण धो रहा था, वो धरती गीली हो गई। और उसके तुरंत बाद जो खरगोश भागते भागते वहां पहुंचा, वो उस गीली मिट्टी पे उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर प्राप्त किया, और एक पुष्पक विमान वहां आया और उस पुष्पक विमान में वो बैठ के स्वर्ग चला गया। जो कुत्ता था, जो उसका पीछा करते करते खरगोश को ढूंढने आया, वो भी उसी गीली मिट्टी में फिसल गया उसका पैर, और उसने भी अपना वहां शरीर त्याग दिया, और वो भी दिव्य शरीर प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग लोक को चला गया। और ये सब जो ऋषि वत्स का जो शिष्य है वो देख रहा था और वो हंस पड़ा। और जो राजा था, राजा विक्रम वेताल, वो भी बहुत ही आश्चर्य हो गया ये सब देख के कि कैसे एक कुत्ता और खरगोश उसके उनके आंखों के सामने स्वर्ग लोक को चले गए। तभी उसने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, ये जो मैंने सुंदर सा दृश्य देखा, ये कैसे हुआ, जरा मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि ये जो आश्रम है वो ऋषि वत्स का आश्रम है। उन्होंने अपने इंद्रियों पे पूरा निरंतर पा लिया है और वो नियम से श्रीमद् भगवद गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ करते हैं,
मैं उनका शिष्य हूँ और उनकी कृपा से मैं भी नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कारण जो धरती पे गीली मिट्टी हुई है, मेरे चरण धोने से जो इस धरती पे गीली मिट्टी हुई है, उस गीली मिट्टी पे फिसल के वो कुत्ता और खरगोश दोनों ने अपना देह त्याग दिया और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैं क्यों हंस रहा था। महाराष्ट्र नाम के एक जगह में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था केशवा। वो बहुत ही कपटी किस्म का इंसान था और उसकी पत्नी थी विलोबना। वो बहुत ही काम वासना से भरी हुई थी और दूसरे मर्दों के साथ संबंध रखती थी, और इस कारण जब उसके पति को इसके बारे में पता चला तो उसने उसका हत्या कर दी और उसके उपरांत जो उसकी स्त्री थी वो कुत्ता बन गई, और जो ब्राह्मण था उसने जब अपना देह त्याग दिया तो वो खरगोश बन गया। शिवजी ने कहा कि राजा विक्रम वेताल ने आगे श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुना और वो भी नियम से श्रीमद् भगवत गीता का 14वें अध्याय का पाठ करने लग गए, और फिर कुछ ही समय बाद उन्होंने भी अपना जब शरीर त्यागा, जब उनकी मृत्यु हुई, वो भी वैकुंठ को प्राप्त हुए और उन्हें भगवान विष्णु के कमल चरणों की प्राप्ति हुई, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के कमल चरणों की प्राप्ति के उपरांत उनकी सेवा की। तो प्रिय पार्वती, ये था श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, करियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।